भाई साहब गुजरात मराठा गंगा उछल जल्दी तरंग। पार्टिसिपेंट्स ऑफ टुडेस प्रोग्राम। मेरा नाम तफीमा कौसर है, गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ और जिस आज हम इसका नाम रखने जा रहे हैं हमारे महान श्री वरिंदर सिंह जयपुरिया जी के नाम पे। और इसका मतलब अब मैं DYSP वरिंदर सिंह जयपुरिया मेमोरियल स्कूल की स्टूडेंट। ये तो बहुत खुशकिस्मती है हमारी, ये मतलब फख्र की बात है हम सब के लिए कि हमारे इलाके में भी ऐसी मशहूर हस्तियां रहती, मतलब ऐसी बहुत बड़ी हस्तियां रहती है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है हमारे लिए, हमारे वतन के लिए। हाँ जी, जरूर जानने की कोशिश करेंगे। रशपाल सिंह, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा भाई साहब, आपका पहले बड़ा शुक्रिया कि आपके माध्यम से अब इस वीर जवान का भी आज ये नाम आया। और ये गर्व की बात है कि हमारे कजन थे वीरेंद्र सिंह DYSP जिन्होंने 2003 में रजौरी के अंदर अपनी शहादत दी और इन्होंने कश्मीर के अंदर भी एक सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, सिर्फ 13 साल की सर्विस में उन्होंने इतना बड़ा काम किया था जो कि DSP के रैंक तक पहुंचे थे। और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के और समाज के लिए इतना बड़ा काम किया और आज हमें बड़ा फख्र से कहना पड़ता है कि आज की सरकार ने हमें, एक खुशी की बात है कि उन्हें याद किया और ये जो काश्तीगढ़ सेकेंडरी है उनके नाम पे इसका नाम दिया गया। मैं यहाँ देख रहा था कि यहाँ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके लिए मैंने बिल्कुल ही समझी कि गैर जिम्मेवारी की तरह जैसे इन्होंने काम किया, जिसने इतना बड़ा अपनी जान की बाजी देकर देश के लिए इतना बड़ा काम किया। और उस टाइम में 90 से लेकर 2005 तक का बहुत बड़ा ऐसा दौर रहा कि मिलिटेंसी का बहुत बड़ा यहाँ पे एक दौर था जिसमें कि वीरेंद्र सिंह जयपुरिया ने बहुत बड़ा काम किया था कश्मीर के अंदर। और आज हम देख रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको लाइटली लेती है क्योंकि मेरा माटी मेरा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के लिए इतने अग्रसर रहते हैं और गांव गांव घर घर हम लोगों को भी उन्होंने इतना आगे किया, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते भी कि जितने भी लोग यहाँ शहीद हुए हैं उनको याद करना है और उनके घरों से उनके गांव से माटी लेकर देश के अंदर दिल्ली में पहुंचानी और वहाँ एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा और वहाँ पे ऐसे बाग लगाए जाएंगे। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर डी साहब किसी कारण से अवेलेबल नहीं थे तो ADDC साहब हैं, उनको आना चाहिए था। अगर SP साहब नहीं है, SSP साहब यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे तो SP साहब आने चाहिए क्योंकि जिला इंतजामिया का ये एक इतना बड़ा कार्यक्रम है, एक किसी शहीद को याद करना है और वो भी एक DSP रैंक के एक बंदे ने अगर अपनी कुर्बानी दी, एक माँ के लाल ने, आज उनकी माँ यहाँ पे बुलाई गई थी और आज उनको भी ये एक एहसास होता है कि मेरा बेटे ने जान दी, देखो इधर कितने बड़े जिला के ऑफिसर आए हुए थे। उसके लिए हमें एक थोड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, बेशक हमें एक गुमान है कि हमारे काश्तीगढ़ का लाल इतना बड़ा देश के अंदर अपना नाम रोशन कर गया, उसमें हमें भी गर्व है, मगर साथ में जिला इंतजामिया से हमारी निवेदन है कि ऐसा नहीं, हमारे कुछ ऐसे भी शहीद हुए हैं लोग, उनका भी हम नाम चाहेंगे इसमें लिस्ट में लाना ताकि हमारी जो नस्ल है, आगे आने वाली जो हमारी नस्ल है वो भी इससे कुछ लेसन ले सके। देवेंद्र सिंह जयपुरिया, पूरे जयपुरिया परिवार जो है, पूरी जयपुरिया फैमिली आज बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, एक सम्मानित अपने आप को फील कर रहे हैं, एक गर्वान्वित फील कर रहे हैं कि आज पूरा जो है हमारा सिराज इलाका, खासकर जिस इलाके से बिलोंग करते थे, हमारा परिवार ही नहीं जयपुरिया परिवार को बहुत आज अपने आप को एक सुकून महसूस कर रहा है कि उनकी कुर्बानी जो है, हमारे भाई साहब की कुर्बानी जो है वो बेकार नहीं है, लेकिन पूरा इलाका जितना भी हमारा इलाका है सभी लोग जो है एक खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज का ये जो समारोह हुआ है उनकी याद में स्कूल का नाम, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का नाम बदल के अब जयपुरिया वरिंदर सिंह जी के नाम पे रखा गया है, तो ये एक उनकी याद को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है, ये उनको सम्मान मिला है, पूरे परिवार को सम्मान मिला है, पूरे इस काश्तीगढ़ इलाके को सम्मान मिला है कि जो डिजर्व करते थे, जितना उन्होंने लगन और अपनी मेहनत से डिपार्टमेंट के अंदर काम किया था उस चीज का उनको सम्मान मिला है। इससे हम समझते हैं कि वाकया एक परिवार भी इस चीज को जो है एक फख्र महसूस कर रहा है कि उनका जो एक उनको जो मिलना चाहिए थी चीज, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, तो आज का दिन जो है उसके लिए बहुत एक ऐतिहासिक दिन है कि जब उनको जो है इतना बड़ा सम्मान मिला हुआ। आज का उत्सव उस महान वीर सपूत की याद में मनाया जा रहा है जिन्होंने देश की सेवा
अपने खुश नसीब होते हैं वो लोग जो वतन पर मिट जाते हैं, मर कर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। अपनी गोद दिखा देना, इतने पर भी ना समझे तो मुरझाया फूल थमा देना, मुरझाया फूल थमा देना। हाल यदि मेरे पिता पूछे तो मेरा बेटा कैसा है, खुला आसमां दिखा देना, इतने पर भी ना समझे तो जलता दिया बुझा देना। जिस दिन उस वीर ने हमें अलविदा बोला वो दिन था जब वह अपने मिशन को पूरा करके वापस आ रहे थे, जिसमें उन्होंने टेररिस्ट के 5 टॉप कमांडर्स को मार गिराया था। वापस हेडक्वार्टर की तरफ आते समय उन पर टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, जिसमें दुश्मन से लोहा लेते समय वह अपनी उस सांस तक लड़ते रहे जब तक कि वह अचेत अवस्था में ना चले गए। मुझे तो ये ज्ञान मुझे मौका दिया और मैं नाम से आज का